खबरों की नई पहचान। कोयांचल धनबाद में मतदान पहचान पत्र को आधार से लिंक करने के अभियान की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान सूची में शामिल मतदाताओं को स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किया जाएगा। उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। प्रमुख उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में एक संशोधन करके सेक्शन 23, उसमें जो पहले नए मतदाता जुड़ते थे मतदाता सूची में तो प्रपत्र 6 में उनका आवेदन लिया जाता था फॉर्म 6, उसमें पहले जो हम लोग डॉक्यूमेंट उनसे लेते थे जैसे आयु का प्रमाण पत्र है, पहचान के जो डॉक्यूमेंट है, उसके साथ में आधार कार्ड देना मैंडेटरी है। तो जब भी कोई नया वोटर वोटर लिस्ट में ऐड होगा तो उनको अपना नाम जोड़ने के लिए बाकी कागजात के साथ में आधार कार्ड की 100 प्रमाणित प्रति सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करनी अनिवार्य है। ये नए वोटर्स के लिए है। दूसरा, जो लोग पहले से मतदाता सूची में जिनके नाम उनके भी आधार कार्ड प्राप्त करते हुए ईपिक की लिंकिंग मतदान जो मतदाता सूची उनका नाम है उसको भी आधार कार्ड से लिंक किया जाना है। और इन दोनों प्रक्रिया के लिए दो तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड है। ऑनलाइन मोड में जो NVSP पोर्टल है भारत निर्वाचन आयोग का, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, वहाँ से लोग खुद भी जाके, जैसे अगर आप एग्जिस्टिंग मतदाता हैं तो वहाँ अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं ताकि लिंकिंग के लिए जो आगे की कार्यवाही है वो की जा सके। उसी तरह एक अभियान भी कल मतलब 1 अगस्त से लेकर और प्रारंभ किया गया है, जिसमें BLOs सभी घर घर जाकर लोगों से ऑफलाइन भी, जो लोग अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं दे रहे हैं या नहीं दे सकने की स्थिति में है, तो BLOs घर घर जाके भी उनसे आधार कार्ड प्राप्त करेंगे फॉर्म 6 के साथ में। फॉर्म 6B 6B एक नया फॉर्म ऐड किया गया है जिसमें वो आधार कार्ड, या जो अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं उपलब्ध है तो 11 और तरह के वैकल्पिक दस्तावेज हैं वो प्राप्त करेंगे ताकि उनके मतदाता सूची एंट्री को उनके बाकी जो पहचान पत्र हैं उनके साथ में लिंक किया जा सके। Oh,